सर, कल हमने एक घटना के बारे में सुना है, एक्सीडेंट का, रोड एक्सीडेंट। तो उसका थोड़ा डिटेल बता दीजिए सर, क्या कैसे हुआ है। एक्चुअली कल शाम को करीब 6:19 6:19 में टेलीफोनिक कॉल मिला हमको कि तेंगा पानी फॉरेस्ट एरिया में कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें एक आदमी स्पॉट डेड है और एक इंजोर्ड है। तो इस खबर को सुनने के साथ साथ पुलिस पार्टी रश हुई वहाँ पर। वहाँ से इंजर्ड को इवैक्यूएट करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया, जहाँ से इसको तिनसुकिया रेफ़र किया गया और डेड बॉडी को भी यहाँ लाया गया। ला करके हॉस्पिटल में रख करके आज जो पोस्टमार्टम वगैरह करवाया गया है। इंक्वायरी में मालूम हुआ कि एक मनियम जामी खाम, जिसका एज 28 ईयर्स है और हाशिए रूसा बस्ती जो कानूबारी सर्कल में पड़ता है लांगडिंग डिस्ट्रिक्ट का, अपना कज़न ब्रदर जो यहाँ अरुणाचल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसको ड्रॉप करने आया था। तो ये आदमी जो है एक हनुमान वांगजन, ये भी कानूबारी एरिया का है, जो स्टूडेंट है यूएस में, उसके साथ तेजू साइड में घूमने गया था। वापसी में इन लोगों ने स्पीड में आए हैं और एक ट्रैक्टर उधर से आ रहा था, पीछे से हिट किए हैं, हिट करने के बाद में और उनको इंजरी सस्टेन हुई, जिसमें कि स्पॉट डेड हुआ है। जो इंजोर्ड है हनुमान वांगजन, वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल था, तो यहाँ ट्रीटमेंट में भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो इमीडिएट उसको इवैक्यूएट किया डॉक्टरों ने और केस हमने एक रजिस्टर किया है नामसाई पुलिस स्टेशन, केस नंबर 321 अंडर सेक्शन 279 338 304 AIPC। ट्रैक्टर ड्राइवर को अभी हमने कस्टडी में लिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए और पोस्टमार्टम आज हो गया, डेड बॉडी हमने रिलेटिव को हैंड ओवर कर दिया। जैसे कि सर, ये एक्सीडेंट केस को लेकर बहुत ही, तो जनवरी का 2021 का जनवरी का महीना में हमेशा बहुत ही एक्सीडेंट होता है सर, देखा गया तो पिकनिक का सीजन है, तो इसे लेकर आपको जो हमारा माध्यम से एक ट्रैफिक एडवाइजरी, किस तरह आप लोगों को अपील करना चाहेंगे सर। एक्चुअली जनवरी महीने में हम लोग काफ़ी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हाईवे पेट्रोलिंग करवा रहे हैं, ट्रैफिक चेकिंग करवा रहे हैं, अवेयरनेस के लिए बोल रहे हैं, फिर भी देखा गया है कि जो यूथ्स हैं स्पेशली जो मोटरसाइकिल चलाते हैं हेलमेट यूज नहीं करते हैं। तो मेरी यही अपील है कि अभी एक तो ड्रंकन नहीं होना है जब आप रोड पर होते हैं, हेलमेट लगाना है, यदि हेलमेट होगी तो आपकी सेफ्टी होगी, यदि आपका हेड पोर्शन बचा रहेगा तो ट्रीटमेंट में आपको सुविधा होगी। तो मेरी यही अपील है कि जब भी रोड पर हों, टू व्हीलर में हों आप हेलमेट लगावें, फोर व्हीलर में है तो आप सीट बेल्ट लगावें, बिल्कुल जो सेफ जर्नी करें, सेफ ड्राइविंग करें, जिससे एक्सीडेंट को रोका जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।